वेलकम वेलकम आयशा के ब्लॉग किचन में। वेलकम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आलू पराठा बनाने जा रही है। मेरा आटा है आधा केजी, ये आलू उबला हुआ है, वो प्याज है, धनिया पत्ता, जीरा पाउडर, गोल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च, नमक, यहाँ टोटल मसाले। ये आटा खुश्की के लिए है। यहाँ मैंने गैस जलाया, बिस्मिल्लाह। मैंने अब इसमें हम तेल डालेंगे, इसे आलू का स्टफिंग तैयार करेंगे भरते के लिए। पराठा बनाना है इसीलिए इसे मैंने तेल डाला 50 ग्राम के अंदर। तेल गर्म होता है तब इसे प्याज डालेंगे और बाकी सामान। मेरा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ये बारीक कटे हुए प्याज, जो मैंने प्याज को क्रश कर लिया था चॉपर में, ये डाला। ये हरी मिर्च, अब इसको चलाएंगे अच्छे से। अब मैं इसको अच्छे से प्याज को लाल करेंगे, तब इसमें आलू डालेंगे अच्छे से। पूरा प्याज मेरा अच्छे से लाल होगा तब हम इसके अंदर आलू डालेंगे। यहाँ मैंने ये बॉल लिया है, इसमें मैं अब ये आटे को डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसका मुझे पूरी बनाना है, इसे मैंने ये आटा डाला। में थोड़ा सा नमक देंगे, क्योंकि ये पराठा है, पूरी नहीं, आलू की आलू पराठा बनाएंगे। ये प्याज अच्छे से लाल करेंगे। ये प्याज लाल हो जाएगा तब फिर ये क्या करेंगे, तब वापस आनेंगे तब बाकी काम। जब तक मेरा इधर ये प्याज लाल हो, जब तक ये मेरा प्याज लाल होता है, जब तक हम इधर आटा सान लेते हैं। मैंने आटे में पानी दिया, मैं आटा सानूँ। ये मेरा आटा अच्छे से सना चुका, अब हम इसको 10 मिनट के लिए इसे छिपा के छोड़ देंगे। इधर मेरा प्याज भी अच्छे से लाल हो गया, अब इसमें हम ये बॉयल किया हुआ आलू को डालेंगे, जो मैंने बॉयल करके मैश करके रखा था। अच्छे से इसको करेंगे। अब मैं आलू में बारी बारी से एक एक करके मसाले डालूंगी। पहले मैंने नमक दिया 1 चम्मच, थोड़ा सा गोल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, सब 1-1 चम्मच। और इधर जो मेरा बाकी बुरादा मसाला, आप इसमें से थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्ची, ज़रा सा धनिया पाउडर, ज़रा सा आमचूर पाउडर। आप ये सबको देख के अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए मैंने आलू को अच्छे से पूरा मैश कर लिया, आलू पूरा अच्छे से हो गया। आप इसे थोड़ा सा धनिया पत्ता पत्ता दिए थोड़ा सा, इसे जब खाने के लिए चटनी भी बनाएंगे, चटनी भी दिखाएंगे धनिया की। जब भत्ता ठंडा हो जाएगा तब पराठा में इसको भरेंगे। अभी बहुत गर्म है ये, यह अच्छे से मेरा मैश हो चुका, पूरा अच्छे से एकदम मैश हो गया है जड़ जड़ तक। अच्छे से मैश हो गया मेरा आलू, तो अच्छे से एकदम एक एक की। अब मैंने आटा भी सान ही लिया है, अब बस पराठा बनाना है। मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये देखिए ये अच्छे से हो गया। अब हम गैस बंद किया, अब इसको ठंडा होता है तब पराठा बनाते हैं। इसको मैंने फ्राई पैन से इसको प्लेट में निकाल दिया, ये ठंडा होता है तब इसमें पराठा बनाते हैं। इधर मैंने आटा भी सान के देखा है, आटा को छिपा दिया। आटा सानने 10 मिनट छिपाने से 10 मिनट हो गया। ये अच्छे से आटा मेरा सेट हो चुका है, अब ये ठंडा होता है तब आपको भर के। ये देखिए मेरा आटा अच्छे से मेरा सेट हो चुका। मैंने यहाँ लोई काट लिया है, यहाँ भरता भी मेरा ठंडा हो गया। अब हम इसको
बेलेंगे लोई को, पराठा बेलना है। ये देखिए, ये मैंने आटा, ये रोटी अच्छे से बेल लिया पराठा। अब मैं इसमें आलू की स्टफिंग भरी और किनारे में हल्का सा रिफाइन लगा, इसको ऐसे 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 ऐसे। अब इसका पराठा बेलेंगे। इसको मैंने खुश्की लगाया, खुश्की बोलिए सूखा आटा, प्लेथान जो बोलती बोलिएगा। अब मैं इसको बेलूंगी और बेल के तलेंगे। ये देखिए, ये मैंने पराठा बेल लिया। यहाँ मेरा तावा भी अच्छे से गर्म हो चुका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने पराठा डाला। अब दूसरा बेलेंगे, बस वैसे ही बेलना, बस ऐसे बेल के आपको पराठा रखें उसी के तरह किया जैसे फर्स्ट वाला किए थे। इसको मैं किनारे में रिफाइन लगा दिए है मैंने। इसको ऐसे 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 और ये ऐसे मोड़ो। और इधर मेरा ये पराठा भी सेका चुका है, दोनों तरफ से अच्छे से सेका गया। अब मैं इसमें रिफाइंड डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने तला। ये देखिए, कितने अच्छे क्रिस्पी मेरे आलू पराठे बन गए हैं। बाकी वे आपको एक और तल के दिखाते हैं। ये देखिए, इसके साथ खाने वाली चटनी भी अभी आपको बना के दिखाएंगे, धनिया की। ये देखिए, ये देखिए, ये मेरा पराठा खूब अच्छे से सेका गया, खूब अच्छे से हो गया ये पहला वाला। इसको मैंने निकाला, अब ये दूसरा बेलेंगे। मैंने आँच को कम किया, अब मैं ये दूसरा बेल रही हूँ। पूरी नहीं, ये पराठा है। अब फिर इसको बेल, दूसरा पराठा भी मेरा तैयार हो चुका। मैंने दूसरा भी वैसे ही डाला, अब ये मैं तीसरा बेलने जा रही हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये देखिए, अब मैं तीसरा बेलूंगी। मैंने अब हल्का सा आँच तेज किया क्योंकि अब मैंने इसका पराठा डाला है एक तरफ। अभी बहुत ही कच्चा, अभी इसको सेकने में अभी टाइम लगेगा जब तक मैं इधर इसको बेल लेती हूँ। अब इसको मैं बेल रही हूँ। अब मैंने फिर से वही काम किया जो पहले दूसरे पराठे में की थी। इसको आलू बीच में रखी, रिफाइन लगाए चारों तरफ। उसके बाद इसको ऐसे मोड़े, इधर से मोड़े, प्रेस किए ताकि ये चारों तरफ से फैल जाए। इसको भी प्रेस कर दिए। ये देखिए, खूब अच्छे से हो गया है। यहाँ मेरा दो पराठा तैयार हो चुका है, मैंने निकाल लिया, ये तीसरा है। अब तीसरा बेलेंगे। बहुत ही आसान है ये। ये देखिए, अब हम इसको बेल रहे हैं। ये देखिए, ये मैंने फिर से इसको ऐसे बेल लिया। अब मैं फिर से वही का ऐसे, हमारी इधर मेरा पराठा भी चढ़ा हुआ है, ये सेका रहा है खूब अच्छे से। ये सब हो चुका है। फिर से मैं किनारे किनारे रिफाइन लगाऊंगी, ऐसे इसको ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ेंगे। आप तीन कोने में भी बना सकती हैं, मैंने चार कोने में बनाया है। और ऐसे प्रेस कर देंगे, इसको बेलेंगे। मैं
मेरा ये चढ़ा हुआ, अब मैं इसमें तेल डालूंगी। इधर मेरा सेका गया, दोनों तरफ से अच्छे से हो गया। इसे मैंने रिफाइंड डाला, देखिए आधे आटे के साथ तो चटनी ही अच्छी लगती है। चटनी है या कुछ अचार उचार, चटनी बनाइए। आधा केजी आलू में 9 पीस पराठा बना और 2 घटिया था जो मैंने प्लेन पराठा मिला बिना आलू वाला, सिर्फ रिफाइंड लगा के सादा पराठा। अब मैं इसके साथ धनिया की चटनी पीस के आपको दिखाती हूँ। आधा केजी आलू में मेरा 9 पीस पराठा बना जिसे मैंने 2 पीस पराठा सादा बनाया। अब हम इसके साथ चटनी पीसने जा रहे हैं। यहाँ मैंने धनिया रखा, हरी मिर्च और नींबू का। अब मैं अब इस पराठे के साथ खाने के लिए अब हम चटनी पीसेंगे। इसमें मैंने धनिया डाला, 1 हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च डाले, थोड़ा सा लहसुन, ये लहसुन पिसा हुआ है, इसको हम पीस के रखे थे इसलिए पिसाई हुआ दे दिए हैं, और आधा टमाटर डाले। अब मैं इसे थोड़ा सा काला नमक दी ज़रा सा, और चटनी पीस के आपको दिखाते हैं इसके साथ खाने के लिए। पराठा तैयार हो गया मेरे इसके साथ धनिया की चटनी। मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।